एंड वेलकम टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल टेली चस्का। वेल दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं देवोलीना भट्टाचार्य जी। और हम आपको बता दें कि देवोलीना ने अपने करियर में गोपी बहू का किरदार निभाकर खूब शोहरत हासिल की। साथ निभाना साथिया सीरियल देवोलीना के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके अलावा भी देवोलीना ने कई सारे टीवी शोज करे, जैसे सवारे सबके सपने प्रीतो, तेरे शहर में चंद्रकांता और बिग बॉस। और हमारे इस वीडियो में हम आपको देवोलीना की नेट वर्थ बताने जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि देवोलीना की पहली पसंद कभी भी एक्टिंग करना नहीं था। निफ्ट से अपनी ज्वेलरी डिजाइनिंग के कोर्स को पूरा करने के बाद देवोलीना ने एक ज्वेलरी शॉप में बतौर ज्वेलरी डिजाइनर काम भी करा, जिसके बाद इन्होंने डांस इंडिया डांस सीजन 2 के लिए शानदार ऑडिशन किया। लेकिन इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा एनडीटीवी इमेजिन के शो सवारे सबके सपने प्रीतो से, जहां पर ये बानी के किरदार में नजर आईं, जिसके बाद साल 2018 में देवोलीना के नाम के साथ एक कॉन्ट्रोवर्सी भी जुड़ी, जब मुंबई के पंत नगर पुलिस स्टेशन में एक डायमंड ट्रेडर्स मर्डर केस के सिलसिले में इनको समन किया गया। खैर, बाद में देवोलीना ने क्लियर कर दिया था कि वो सिर्फ एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन थी और पूछताछ के लिए इनको बुलाया गया था। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन मोहतरमा ने अपने आप मेहनत करके खूब पैसे कमाए हैं। देवोलीना की नेट वर्थ है 41 मिलियन, यानी कि 7 करोड़ रुपए। और एक बार फिर से साथ निभाना साथिया सीजन 2 का ये हिस्सा बन चुकी हैं। देवोलीना टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी बहू हैं और दर्शकों को न सिर्फ इनकी सूरत बल्कि इनकी एक्टिंग भी खूब पसंद आती है। अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर ये अपनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स डालकर दर्शकों के दिलों के तारों को हिलाती रहती हैं। वेल दोस्तों, आपको देवोलीना कितनी पसंद है कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।